ठीक है भैया बड़ो हेलो एवरीवन दिस इज चंदन एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपना न्यू ड्रोन लेने जा रहा हूँ और न्यू ड्रोन लेने जा रहा हूँ मैं चांदनी चौक। तो आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से लेना है, कितने का पड़ेगा। इवन मैंने DJI की जो साइट है उस पर भी चेक किया कि इंडिया में जो ऑथराइज डीलर है वो कौन कौन से DJI के। तो अभी फिलहाल वही जा रहे हैं। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सा ड्रोन लेने जा रहा हूँ। यस, ये DJI का मैविक एयर, बट ये है कितने का, कहाँ से मैं लेने जा रहा हूँ वो बताऊंगा मैं आपको आगे वीडियो में। वो वीडियो को देखते रहो और अगर चैनल में नए हो तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। गैस करो कि मैंने कितने का लिया होगा, गैस करो कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ। सो गाइस कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सब्र का फल मीठा ही होगा। अब जब मैं चांदनी चौक पहुँच जाऊँगा तब आपसे बात करूंगा। तो तब तक फिलहाल देखो ये काफी सारे यहाँ पे कबूतर उड़ते हुए। चांदनी चौक आओ और ट्रैफिक में ना फंसो, ऐसा कोई नहीं सकता। तो हम लोग हैं फिलहाल अभी जो रेड फोर्ट है उसकी पार्किंग के सामने। रेड फोर्ट इसके एग्जैक्ट सामने है कार पार्किंग जो मल्टी लेवल है, बट मल्टी लेवल होने के बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे चांदनी चौक या चांदनी चौक के आसपास आ रहे हो तो कार से आओ। तो हम लोग जा रहे हैं ड्रोन लेने आज चांदनी चौक में, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ड्रोन फंस जाए तो मेट्रो से ना जा पाए। तो दैट्स द रीज़न मैंने सोचा कि आज कार लेके चलते हैं। कुछ घंटे तक गुजारो ट्रैफिक में। वैसे चुपका के रखी हुई है पूरी मिला के गाड़ियाँ, इनको वो दियो शायद होता होता चाबी। चुपका के रखी है, पूरी ठोक रखी गाड़ी वाली। सो गाइस फाइनली हमें पार्किंग मिल गई, पार्किंग मिली जो हमें लेवल 1 पे, बट हम जो घूम के आए वो घूम के आए लेवल 3 तक। मतलब पार्किंग नहीं है, टिकट आपकी एकदम एंट्री पे कट जाती है जो चार्जेस काटते हैं। उसके बाद घूमते घूमते हम लेवल 3 तक हो गया है और लेवल 3 से वापस हमें एग्जिट कराया। तो लगा अच्छा था हमारा कि लेवल 1 पे हमें पार्किंग मिल गई दोबारा। उसी टाइम एक कार चली गई, कोई वर्थ नहीं है यहाँ पे आने का। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे चांदनी चौक और जो फोटो स्टोर मार्केट है, और ड्रोन लेने के लिए आया हूँ मैं। यहाँ पे एक बहुत फेमस शॉप है कपूर फोटो स्टोर, यहाँ पे किसी से पूछ सकते हो आप, तो थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट अवेलेबल है, बट मैं ले रहा हूँ ब्लैक क्योंकि व्हाइट थोड़े दिन बाद येलो हो जाता है। दैट्स द रीजन हमने चूज किया ब्लैक। कैश कार्ड तो गाइस फाइनली हमने ड्रोन खरीद लिया है। ड्रोन खरीदा है DJI Mavic Air, पता चल गया होगा आपको। जो ड्रोन पड़ा है वो पड़ा है पूरे 70,000 का। तो ये ड्रोन मैंने लिया है चांदनी चौक से, एक बहुत फेमस शॉप है कपूर फोटो स्टोर, वहाँ से। जाना कैसे, गाड़ी से मत जाना बिल्कुल भी गाइस। एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी भी देखोगे हम लोग चांदनी चौक से निकल रहे हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रैफिक, गाड़ी मतलब रुकी हुई अच्छी खासी। मेट्रो से जाओ,
सबसे बेस्ट वे, और आपको जाना है सीधे फोटो स्टोर मार्केट। जो फोटो स्टोर मार्केट है वो है एग्जैक्ट जो SBI बैंक है उसके सामने, एग्जैक्ट सामने आपको SBI की बहुत बड़ी ब्रांच दिखेगी। बाय चांस अगर आप अपनी गाड़ी से भी आ रहे हो, किसी दूर मेट्रो स्टेशन में ही पार्क करो, जैसे करोल बाग हो गया या झंडे वालन हो गया, वहाँ पे आराम से पार्क करके देन ऑटो करके या कैब करके आप वहाँ से देन चांदनी चौक आ सकते हो। वो लिया मैंने फ्लाई कॉम्बो में लेने का फायदा क्या होता है कि आपको दो एक्स्ट्रा बैटरी मिलती है, कुछ केबल्स होती है वो फ्री मिलती है, चार्जर वगैरह ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती है गैजेट्स वो बहुत रिक्वायर्ड होती हैं, वो कॉम्बो में एक मिल जाता है। अगर मैं अलग अलग लेने जाऊंगा तो शायद मुझे वो सेट बहुत महंगा पड़े। और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी मिलते हैं, अगर आपके प्रोपेलर खराब भी हो जाते हैं तो आपको दो सेट एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक सेट तो आता ही रहता है मैविक एयर के साथ, ये दो सेट एक्स्ट्रा और मिलते हैं आप। और जैसे मैंने बताया कि 70,000 का पड़ा है तो बहुत ही सस्ता दाम में मिला है मुझे। अपनी तरफ से मैंने काफी कोशिश करी है व्लॉग करने का शॉप का, बट ड्यू टू सम रीजन एक्चुअली हुआ गया था, पीछे कुछ व्लॉगर्स ने कुछ ऐसी चीजें शूट कर दी जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो जो भी है फिलहाल यही है, अभी हमने फ्लाइट डेमो लिया था, अब प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि जब आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक ड्रोन उड़ाने से पहले, स्पेशली DJI। तो मेरे पास तो ऑफिस बात है, DJI के बारे में आपको बताऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं पहले इंक्लूड करना भूल गया कि मैंने DJI Mavic Air ही क्यों चुना, मैंने स्पार्क क्यों नहीं लिया जो 40,000 का मिल रहा है, 45,000 का मिल रहा है, आई थिंक 45,000 के आसपास है। रीज़न है, एक तो जो DJI Mavic Air है उसकी क्वालिटी अच्छी है, वीडियो क्वालिटी। Mavic Air है जो फोल्डेबल है, मीन्स उसके जो विंग्स हैं प्रोपेलर्स हैं वो आराम से फोल्ड होके उसकी बॉडी से एकदम सट जाते हैं, और जो DJI स्पार्क है मैं उसमें ऐसा नहीं है। सो गाइस, फटाफट एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं आज की परचेज के बारे में जो मैंने ड्रोन लिया। तो मैंने लिया है DJI Mavic Air, ये देख रहे हो कितना छोटा है, मेरा हाथ थोड़ा लंबा है बट देखो इस हाथ के बराबर है ये रहा। तो ये इतना पोर्टेबल है कि मैं इसे कहीं भी कैरी करके ले आ सकता हूँ, चाहे मुझे ट्रैवलिंग के लिए जाना हो या किसी लोकेशन के लिए आ रहा हूँ, इजिली किसी बैकपैक में ये आराम से आ सकता है। देख रहे हो कितना छोटा है, फटाफट बताता हूँ आपको कि मैंने कहाँ से लिया, कितने का पड़ा, और वारंटी या गारंटी इसके साथ क्या क्या मिली है। ये मिली है चांदनी चौक जो कुछ चौक मार्केट है, फोटो स्टोर एग्जैक्ट है जो SBI बैंक है उसके सामने, और ये मैंने लिया है कपूर फोटो स्टोर से। रीजन लेने का वहां से क्योंकि वो ऑथराइज डीलर है, ऑथराइज्ड इंडिया में नहीं है ड्रोन लेना, बट जो कपूर फोटो स्टोर है वो ऑथराइज डीलर है DJI का, अगर उसकी साइट पे भी चेक करोगे तो उनका नाम आता है, क्योंकि ड्रोन फ्लाई करना इंडिया में लीगल नहीं है, दैट्स द रीजन आपको कोई गारंटी या वारंटी नहीं मिलती। हाँ, जैसे आप परचेज करोगे तो वो आपको एक फ्लाइट डेमो देंगे जिसमें आपको प्रॉपर वो बताएंगे कि कैसे कैसे ड्रोन स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे ही आप ड्रोन खरीदने के बाद शॉप से बाहर निकलोगे उसके बाद कोई वारंटी एंड गारंटी नहीं है, तो सब अपने रिस्क पे चल रहे हैं। और ये बता दूं, ये फ्लाई कॉम्बो है जो मैंने लिया है, इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा कि फ्लाई कॉम्बो में आपको क्या क्या मिलेगा और फ्लाई कॉम्बो लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी कोई भी क्वेरी है ड्रोन के रिगार्डिंग, और अगर आप दिल्ली NCR में नहीं भी रह रहे फिर भी आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कहाँ से आपको ड्रोन लेना है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, ऑफिस ही बात है, वारंटी एंड गारंटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी ऑल ओवर इंडिया, बट ये आपको मैं बता सकता हूँ कि एक ऑथराइज डीलर से कहाँ से परचेज करना है। प्राइस में ऑफिस बात है कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक दो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू गाइस।